सोना नाम का एक बैल था जिसकी पत्नी कुछ ही समय पहले गुजर गई थी। अब उसने एक नई शादी कर ली थी, मगर उसकी पहली पत्नी से उसका एक बछड़ा था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के खो जाने के कारण वो हर किसी में अपनी माँ की छाया को ढूंढता था। मगर दूसरी माँ आ जाने के कारण अब गोलू से वो प्यार नहीं करती जितना उसकी अपनी असली माँ किया करती थी। अब सोना बैल भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा और वो अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोना की नई पत्नी गाय रमोना अपनी बहन को अपने घर बुलाती है। रमोना की बहन माँ बनने वाली थी। वो सारा दिन उनके साथ बैठी बातें करती है। यह सब देखकर गोलू बहुत खुश होता था और अपनी मौसी के पास जा कर बैठता था। यह बात रमोना को जरा भी पसंद नहीं थी। जब देखो मेरी बहन के पास आ जाता है, जा खेल कहीं और जाकर, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब ये माँ बनने वाली है, बहुत जल्द हमारे पास सुंदर सा एक बछड़ा होगा। और तू, हाँ, तू तो अपनी माँ जैसा है, जरा भी अच्छा नहीं लगता मुझे, चल हट। गोलू की सेहत भी दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ती जा रही थी, मगर उसका प्यार रमोना की बहन के लिए बढ़ता ही जा रहा था। रमोना की बहन भी आते जाते उसे दूध पिला दिया करती थी और उसे बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन रमोना बाजार कहीं काम से चली जाती है और उधर पीछे से रमोना की बहन के पेट में तेज दर्द उठने लगता है। आ, 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 अरे गोलू, जाओ जरा दीदी को बुला कर ले आओ। गोलू इतनी बात सुनते ही अपनी सौतेली माँ रमोना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और अपनी माँ को लेकर वापस लौट आता है। पूरे रास्ते रमोना उसे डांटती रहती है। अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुझे आज रात का खाना नहीं दूंगी, समझा। मगर रमोना जैसे ही घर पहुंचती है तो अपनी बहन को तड़पता हुआ देखकर उसे गोलू की बात पर यकीन हो जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उसका इलाज करवाती है। होश में आने के बाद रमोना की बहन उससे कहती है, आज अगर तुम्हारा बेटा गोलू ना होता तो मैं मर जाती दीदी। रमोना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोना से कहती है, मैं तुम्हारे बेटे से जरा भी प्यार नहीं करती थी, इसे हमेशा सौतेला ही समझा, मगर सच में गोलू बहुत अच्छा है, हमें मिलकर इसे प्यार देना चाहिए, वैसे ही जैसे इसकी अपनी माँ देती थी। अब सोना और उसके साथ साथ गोलू भी बहुत खुश रहने लगते हैं। भूमिगत जादुई गुप्त गुफा और लंबी गर्दन वाला शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, मगर पूरी जनता उससे घबराने की बजाय उससे हमेशा मजाक किया करती थी। और इस बात का जंगल के शेर राजा को बहुत बुरा लगा करता था। वो चाहता था कि पूरा जंगल उससे थर थर कांपे, हर कोई उससे डरे। एक दिन जंगल का राजा शेर टहलते टहलते काफी दूर तक निकल गया। उसे एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का मन हुआ। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। अभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा एकदम सुनहरे रंग की थी। हर जगह से हीरे मोती जवाहरात दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, आज घूमते घूमते ये सुनहरे रंग की गुफा जो देखने को मिल गई, ये तो मजा आ गया। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत गुफा नहीं देखी। लगता है ये कोई आम गुफा नहीं बल्कि बहुत खास गुफा है। अभी राजा शेर अपने आप से बातें कर ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा आ जाता है। जैसे ही राजा शेर अपना चेहरा उसमें देखता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। अरे ये क्या, अरे अरे मेरी, अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? राजा शेर पूरी गुफा का चक्कर लगाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब इतनी बड़ी लंबी गर्दन लेकर वापस घर कैसे जाऊँ? फिर उसके मन में एक उपाय आता है। ये अच्छा तरीका है, अब तो मुझसे हर कोई डरेगा। मैं कोई साधारण सा शेर नहीं, लंबी गर्दन वाला हूँ।
अब तो वापस जाकर सबको डराऊंगा। राजा शेर वापस अपने घर जाता है और लोग उसे देख देख कर डरने लगते हैं। अब पूरा जंगल उसका मजाक नहीं बल्कि उसके डर से थर थर कांप रहा था। राजा शेर बहुत खुश था, मगर शाम होते होते धीरे धीरे उसकी गर्दन छोटी होनी शुरू हो जाती थी। इस बात का पता जंगल के जानवरों को ना पता लगे, इसीलिए वो चुपचाप शाम होने से पहले पहले अपनी गुफा में वापस लौट जाता था। एक दिन राजा शेर का फिर से दिल हुआ कि वो सुनहरी गुफा में वापस जाए। अभी वो रास्ते में ही था कि उल्लू ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। राजा शेर कहाँ जा रहे हैं? अपनी लंबी सी गर्दन लिए देखता हूँ। उल्लू उनका पीछा करता है। राजा शेर सुनहरी गुफा में जाता है। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ देखता है, फिर से उसकी लंबी गर्दन और लंबी हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू सारी बात समझ जाता है और वहीं खड़े खड़े राजा शेर से कहता है, तो राजा शेर आपको क्या लगता है, इस आईने में देखकर केवल आप अपनी लंबी गर्दन कर सकते हैं? आप भूल गए मैं भी यहाँ हूँ, जरा पीछे मुड़कर देखिए। इतनी देर में उल्लू सामने आ जाता है और जैसे ही वो शीशे में देखता है, उल्लू की गर्दन भी लंबी हो जाती है। राजा शेर उल्लू को समझाता है, देखो देखो ये बात किसी को मत कहना। नहीं बताऊंगा, मगर आप ये अत्याचार बंद करिए, डराने की जरूरत ही क्या है, प्यार से भी तो रहा जा सकता है महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा और जंगल के किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। अब चलो वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ से अपना मुंह हटाता है, उसकी गर्दन फिर से वापस सही हो जाती है और दोनों उल्लू और शेर जाकर जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं। चूहा और बिल्ली अक्सर लड़ाई किया करती थी, ये बात राजा शेर को पता चल चुकी थी। राजा शेर चाहता था कि दोनों की सुलह हो जाए और दोनों हमेशा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाए। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। सुनो चूहे, खरगोश और बिल्ली, देखो मैं जानता हूँ कि तुम तीनों बहुत ही अजीब किस्म के जानवर हो, इस लायक तो नहीं कि मेरी सभा के सदस्य बनो, मगर इस वर्ष मैं चाहता हूँ कि तुम में से ही कोई दो मेरे सलाहकार बने। भाई तुम्हारी फुर्ती समझदारी मुझे पसंद है, तो बताओ तुम तीनों में से दो कौन है जो मेरे सलाहकार बनना चाहेंगे, और जो बचेगा उसे मैं दूसरे विभाग में भेज दूंगा। ऐसा कहते ही तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। भाई देखो बात ऐसी है कि अब आप तीनों जा सकते हैं, शाम तक मेरे पास आओ ये बात तय करके कि किसकी आपस में दोस्ती अच्छी है, उन्हीं दोनों को सलाहकार बनाया जाएगा, क्योंकि फिर मैं ये झगड़े रोज रोज नहीं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा शेर सबको वहाँ से भेज देता है। चूहा सबसे पहले खरगोश के पास जाता है और कहता है, मैं तो कहता हूँ खरगोश, हम दोनों दोस्ती तो करते ही हैं, अब इस दोस्ती को पक्का कर लेते हैं और हम ही सलाहकार बन जाते हैं, बोलो क्या इरादा है? खरगोश सिर हिलाता है, लेकिन खरगोश सिर भी इतना धीरे धीरे हिलाता है कि चूहा समझ जाता है। अरे अरे ये तो इतना सुस्त है कि सर हिलाने में ही 5 मिनट लगा दिए, ये क्या सलाह देगा, इसके चक्कर में मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। लगता है बिल्ली से बात करनी पड़ेगी, मगर कैसे करूं? चूहा भी ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ बिल्ली आ जाती है। चूहा और बिल्ली आपस में बात करनी शुरू करते हैं। देखो बिल्ली, बात ऐसी है कि जन्म जन्म का ये बैर जो है इसे मिटाने का समय आ गया है, समझदारी से काम लो, मुझसे दोस्ती कर लो और फिर हम दोनों सभा में चले जाएंगे। अरे हम क्या, हमारी पुश्तें भी खाएंगी मजे से बैठकर, बोलो क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से हमारी दोस्ती पक्की। चूहा और बिल्ली अपनी सारे गुस्से को फूंक देते हैं। राजा शेर के पास जाते हैं तो राजा शेर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को अपना सलाहकार नियुक्त कर देता है। बचा खरगोश, तो खरगोश को संगीत विभाग दिया जाता है, जहाँ पर बैठकर वो बड़े मजे से सुस्त होकर मस्त होकर संगीत सुनता है। बूढ़ी दादी का भूखा कौआ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी।
वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया? उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो? ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप? डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था।